उज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द सर्वेंट। द सर्वेंट मीन्स अ पर्सन हु सर्व्स समवन, नौकर, गुलाम जिसको बोलते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट, अबाउट द ऑथर। द स्टोरी इज रिटन बाय एस टी सेमियानो। हिज फुल नेम इज सेमियानो इज हिज नेम। सेमियानो वॉज बॉर्न इन 1868 इन अ पीजेंट फैमिली इन रशिया। सेमियानो रशिया के किसान घर में पैदा हुआ 1868 में। ही डाइड इन 1922। 1922 में उसकी मौत हो गई। इन हिज वर्क्स सिंसियरिटी इज चीफ करेक्टरिस्टिक बिकॉज इट डील्स विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ रशिया। उसका जो काम था, मशगला था, जो उसका अकाउंट था, उसमें हमदर्दी उसका उसकी एक ख़ास खसूसियत थी, एक सिफत थी, क्योंकि ये रशिया के एक अहम तबके से ताल्लुक़ रखता था। द पीजेंट्री किसान तबके से, विच सेमियानो नोज एज ओनली ए पीजेंट। तो इसको हम एक किसान के तौर पर जानते हैं, क्योंकि किसान के तबके के साथ उसका ताल्लुक था। हु हिमसेल्फ लिव्स द हॉट लाइफ ऑफ ए पीजेंट कैन नो, जिसने जो खुद एक सख्त मेहनत कश किसान की जिंदगी बसर करता है। द फॉर्म ऑफ द स्टोरीज फुली कॉरस्पॉन्ड्स टू द कंटेंट्स। तो उसकी जो कहानियाँ हैं उनका ताल्लुक सीधा कंटेंट से है। इट इज़ सीरियस एंड सिंपल। कहानी जो है उसकी बहुत संजीदा है, यानी समझने के काबिल है, बहुत मुद्दा मकसद है इसमें और बहुत आसान भी है। एंड द डिटेल्स आर ऑलवेज करेक्ट, और जो इसमें डिटेल्स हैं वो सही हैं, ठीक है। देर आर नो फॉल्स नोट्स, कोई झूठा, कोई झूठी बात उसमें नहीं है, कोई वाक़ा ऐसा नहीं है जो सही ना हो। व्हाट इज़ पर्टिकुलरली गुड इज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ द पर्सन इन द स्टोरीज। तो जो सबसे बहुत अच्छी चीज़ है इसमें वो फिगरेटिव लैंग्वेज इंसानों की, शख्सों की इन कहानियों में है। विच इज़ फ्रिक्वेंटली क्वाइट न्यू, जो बहुत नई है। एंड ऑलवेज आउटलेस एंड स्ट्राइकिंगली पावरफुल। आउटलेस में कोई आर्ट नहीं है, फन के बगैर है, और बहुत पावरफुल, बहुत मजबूत है। ये थी थोड़ी बहुत जानकारी इस ऑथर से मुतलिक, एस टी सेमियानो। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरी। व्हाट अबाउट द स्टोरी इज, दिस इज अ टचिंग स्टोरी ऑफ अ पीजेंट लैड। ये एक छूने वाली कहानी है एक किसान लड़के की। जरासीम कम्स टू मॉस्को, तो उसका नाम है जरासीम, एक लड़का है, उसी के बारे में एक कहानी है। जरासीम मॉस्को में आता है टू फाइंड हिमसेल्फ अ प्लेस, काम ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। एंड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंट्री मैन। कंट्री मैन मीन्स ए फॉर्मर देसी,
अ मैन बॉर्न और लिविंग इन ए रूरल एरिया, कोई आदमी जो देहात में पैदा हुआ और देहात में वो ज़िंदगी भी गुजारता है। तो जरासीम एक देहाती लड़का है और एक ये जो कंट्रीमैन है ये एक देहाती है, तो उसके साथ उसकी मुलाकात होती है, तो उसके ज़रिए से एक कोचमैन हु इज़ लिविंग विद अ वेल्दी मर्चेंट, एक कोचमैन जो है ड्राइवर जो है जो कोई गाड़ी चलाता है वो एक सौदागर के एक अमीर सौदागर के पास रहता है, उसके घर में है और एक कोचमैन का काम करता है। ही हियर गेट्स द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट जेनिटर, तो वहाँ उसको एक नौकरी मिलती है उस सौदागर के घर में, कोचमैन के ज़रिए से उसको पोस्ट मिलता है असिस्टेंट चौकीदार का। दिस प्लेस वॉज फॉर्मरली ऑक्युपाइड बाय एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर पहले एक बूढ़ा आदमी काम करता था ये इस पोस्ट पर जो इसको मिल जाता है। इट वॉज बाई द एडवाइस ऑफ हिज कोचमैन, तो कोचमैन की नसीहत से उसके कहने से पर दैट द मर्चेंट सेंट अवे द ओल्ड मैन, मर्चेंट जो सौदागर है इस बूढ़े आदमी को निकाल बाहर करता है, एंड इन हिज प्लेस पुट द यंग लैड, और उसकी जगह उस छोटे लड़के को लगाता है अपॉइंट करता है, यानी पहले इस मर्चेंट के घर में ये बूढ़ा आदमी काम करता था इस पोस्ट पर, अब उसके सौदागर का जो कोचमैन था जो उसकी गाड़ी चलाता था उसके कहने पर वो उस बूढ़े आदमी को निकाल बाहर करता है और उसकी जगह इस लड़के जरासीम को अपॉइंट करता है। द लैड अराइव्स इन द इवनिंग टू बिगिन हिज वर्क, ये लड़का शाम को वहाँ पहुँचता है सौदागर के घर में अपना काम शुरू करने के लिए, एंड इन द यार्ड जब वो सहन में पहुँच जाता है, हियर्स द ओल्ड मैन्स कंप्लेंट्स इन द सर्वेंट्स रूम, तो वो ओल्ड मैन की शिकायत सुनता है, ओल्ड मैन शिकायत कर रहा है और वो जरासीम उसकी बातें सुनता है। फॉर हैविंग बीन डिस्चार्ज्ड फॉर नो कॉज व्हाटसोएवर ऑनली टू मेक रूम फॉर द यंग फेलो, तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे किसी गलती के बगैर वजह के बगैर निकाला गया है और मेरी जगह इस लड़के को नौकरी मिली है, तो ये जगह खाली करने के लिए उसको नौकरी दिलाने के लिए मुझे निकाला गया है, मुझे डिस्चार्ज किया गया है। द लैड सडनली फील्स पिटी फॉर द ओल्ड मैन, तो इस लड़के को इस बूढ़े पर रहम आता है, तरस आता है, एंड इज अशेम्ड टू हैव पुश्ड हिम आउट, और वो शर्मिंदा होता है कि मेरे बदले इस बूढ़े आदमी को बेचारे को निकाला गया है, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन फॉर ए मोमेंट, तो ये लड़का चंद लम्हे सोचता है, गौर करता है, एंड फाइनली डिसाइड्स टू गिव अप द प्लेस, तो आखिर वो फैसला करता है इस जॉब को छोड़ने का, तो वो जॉब को अब लेता नहीं है, विच ही नीड्स एंड विच हैज़ प्लीज्ड हिम सो मच, जिस जॉब को उसको ज़रूरत है और जो जॉब मिलने पर वो बहुत खुश हुआ है, अब वो इस जॉब को नहीं ऑक्यूपाई करता, इस प्लेस को इस जॉब को नहीं लेता है। लर्न अबाउट दिस स्टोरी इन द अबाउट दिस ह्यूमिलिटी इन द स्टोरी, तो अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि लड़का जो है कितना हमदर्द है, कितनी उसमें आजजी इनकिसारी है, तो कितना वो बहुत दूसरों पर उसको रहम आता है इस लड़के को, और वो जॉब नहीं पकड़ता है और इसको छोड़ देता है इस बूढ़े की हमदर्दी की वजह से। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे स्टोरी में।
नेक्स्ट टाइम।